और इस बीच एक बड़ी खबर, यूपी में शुरू हुई एमएलसी चुनाव की जंग और कल एमएलसी पद के लिए होंगे नामांकन। हरे विधायकों मंत्रियों को एमएलसी नहीं बनाएगी बीजेपी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। एमएलसी प्रत्याशियों के साथ अखिलेश यादव का मंथन, 9 अप्रैल को वोटिंग और 12 अप्रैल को काउंटिंग होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी में शुरू हुई एमएलसी चुनाव की जंग और कल एमएलसी पद के लिए नामांकन होंगे और हारे विधायकों मंत्रियों को एमएलसी नहीं बनाएगी बीजेपी, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एमएलसी प्रत्याशियों के साथ अखिलेश यादव का भी मंथन, 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और 12 अप्रैल को काउंटिंग होगी। तो अब चुनावी मोड में आने के बाद अब नया चुनाव, एमएलसी का चुनाव राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे अहम बन गया है, इसी को लेकर अब जंग भी नजर आ रही है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का विशाल रघुवंशी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, अब एमएलसी चुनाव की जंग नजर आ रही है, किस तरीके से आप देख रहे हैं दोनों ही पार्टियों की तैयारियां नजर आ रही हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर बीजेपी की? देखिए बिल्कुल, अब चूंकि एमएलसी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के सामने अब जो है अपने आप को प्रूफ करने की जो है तैयारी है, और सीधे तौर पे कह सकते हैं जहां बीजेपी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत पाने के बाद अब विधान परिषद चुनाव में भी अपना डंका बजाने की कोशिश में लगी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी अपना डैमेज कंट्रोल करने के लिए विधान परिषद चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की लालसा जो है वो ली हुई है। इसीलिए आज जहाँ बीजेपी ने एक बड़ी कोर बैठक जो है वो बुलाई है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी एक बड़ी बैठक बुलाई थी। चूंकि ये माना जा रहा है एमएलसी का चुनाव इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर बीजेपी इसमें बढ़त बना लेती है तो उच्च सदन के साथ साथ जो विधान परिषद है उसमें भी बीजेपी जो है वो अपने उम्मीदवार जो है बढ़ा लेगी, और तमाम जो दिक्कतें होती हैं विधान परिषद में कम जो उम्मीदवार होने की वजह से वो दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि विधान परिषद में अपने मेंबर्स की जो संख्या है उनको बरकरार रखना, क्योंकि पिछली बार समाजवादी पार्टी ने इस पूरी संख्या पर कब्जा किया था। तो ऐसे में यही वजह है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को साथ में लेकर चल रही है, और इस एमएलसी चुनाव में तमाम जो सहयोगी दल हैं उनको भी कुछ सीटें देंगे। इसके साथ साथ जो ये भी बताया जा रहा है कि जो मंत्री हारे हैं उन पर जो है फैसला कर लिया गया है कि उनको एमएलसी के चुनाव में जो है नहीं लड़ाया जाएगा। हालांकि तमाम चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर अभी चूंकि 6 महीने का वक्त होता है, अगर किसी को हारे हुए मंत्री को मंत्री बनाया भी जाता है तो 6 महीने का वक्त होता है, और चूंकि 2 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, क्योंकि जिसमें अगर हम बात करें तो अहमद हसन की सीट खाली हुई है, राजनीतिक पार्टियां देखना होगा कि आगे किस तरीके की तस्वीर नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल।